लग गया चार्जिंग पे। GoPro की बैटरी हाँ ऑन हो गई। ये ड्रोन की बैटरी है, वैसे देखने जाना ड्रोन में बहुत टाइम के बाद चार्ज करने ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। आज का जो हमारा व्लॉग है वो एक छोटी सी राइड होने वाली है, मॉर्निंग राइड कह सकते हो, ब्रेकफास्ट राइड कह सकते हो। बहुत दिनों के बाद प्लान बन रहा है इसलिए अंदर से खुशी है वो अलग लेवल की है। जा रहे हैं कुछ 75 किलोमीटर मेरे घर से तानसा डैम करके एक प्लेस है। अभी ये जो डैम वाली प्लेसेस होती है ना, ये मानसून सीज़न में बहुत प्यारी दिखती है, विंटर सीज़न में भी ठीक ठाक दिखती है, लेकिन अभी ये समर का ना जस्ट आगाज़ हुआ है, समर जस्ट स्टार्ट हुआ है, मार्च चालू है, मार्च 21st, तो ये टाइम पर ये थोड़ी रुकी रुकी हो सकती है, लेकिन क्या करें, कुछ प्लान नहीं था और नज़दीक ही जाना था। माहौल बहुत ख़राब हुआ है आजू बाजू का, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, वेव्स आ रही है, हीट वेव्स आ रही है, लेकिन हमें एक छोटी सी राइड करनी है। बड़ी मुश्किल से ये टाइम मैनेज हुआ है। मैंने लास्ट व्लॉग में जैसे कहा, आजकल शादी की भागम भाग में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है और आप वो समझ सकते हो। तो अभी यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, हाइड्रेशन बैग ली है, इसकी ज़रूरत है बिकॉज जैसे मैंने कहा बाहर बहुत गर्मी है। राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, इस पर ये बैग से मैं कैरी करूँगा मेरा ड्रोन और इसमें मेरा मैं ये वाला कैमरा डालूँगा, तो ये सारा मेरा टॉप बॉक्स में चला जाएगा। चैन ल्यूब भी करनी है, हेलमेट क्लीन, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, टाइम हुआ है 4:54, राइडिंग बूट। चलो ये छोटे वाले सिटी ग्लव्स ही अपने लिए बेस्ट है, बड़े वाले ग्लव्स पहनने की आज चाहत भी नहीं है। एक बार एयर प्रेशर देख लेता हूँ, लास्ट टाइम एयर प्रेशर थोड़ा कम हुआ था, वो तो होते रहता है। और ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई नहीं, एक आपने LED लाइट डाल दी है और दूसरी चीज़ स्टॉक विंडशील्ड डाल दी है। और स्टॉक विंडशील्ड डालने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी अपना व्यू कट नहीं होगा आगे का, तो बड़ी वाली विंडशील्ड से अपना व्यू भी कट हो जाता था। ये सही भी लग रही है, ओ भाई साहब ये सही है, अभी ठंडी ठंडी हवा लगेगी। गुड मॉर्निंग। पेट्रोल 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 है, लेकिन हम लोग पेट्रोल भर के जाएंगे बाद में, हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आज मैं जिसके साथ राइड कर रहा हूँ ये नागेश है, नागेश और मैं लोकल बहुत घूमे हैं लेकिन राइड पहली बार साथ में कर रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल है 110.06। ये देखो इनकी कमी है, लाइट मार के भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे किलोमीटर इतने नहीं है, 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर ध्यान में मत रखो, बड़े दिनों के बाद बाइक चला रहे हैं उसका मज़ा ले रहे हैं, तो उस पर 75 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो, सच में फ़र्क नहीं पड़ता। ये टोल नाके का नाम तो नहीं देखा मैंने, लेकिन ये पहला टोल नाका है हमारे आज के रूट का और पहला और आखिरी ही होगा, इसमें ज़्यादा टोल नाके हो नहीं सकते। ओ ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, अभी जहाँ पे मैंने टोल नाका क्रॉस किया ना वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक अंकल मस्त गर्मा गर्म चाय बना रहे थे, इतनी ठंडी हवा, मस्त वाली फीलिंग, और उसमें अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाती ना तो दिल खुश हो जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्टॉप नहीं ले सकते, अपना स्टॉप थोड़ा आगे होगा। ट्रक वालों के चक्कर में हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे देखा ही नहीं, राइट हैंड साइड पे नज़ारा देखो, ऐसे नज़ारे पे रुक के अगर फ़ोटो नहीं निकाले ना तो ये राइड का कोई मतलब नहीं है। मॉर्निंग में राइड करने के ना अपने अपने बेनिफिट है। अभी देखो हम लोग तरसते हैं सूर्योदय के दर्शन के लिए, यहाँ पे शेड बन रही है, सूर्योदय ने अभी तक दर्शन नहीं दिया, लेकिन ये साइड में कितना नज़र आएगा वो पता नहीं, लेकिन ये साइड में ऊपर है मून, और क्या लग रही है हमारी गाड़ियाँ। अभी मैंने आज सामने मैप नहीं लगाया तो मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा है कि अभी डिस्टेंस कितना बचा है। यहाँ से हमें शाहपुर तक जाना है, शाहपुर के बाद हमें 12 किलोमीटर इसी हाईवे पर रुकना है, ये है नासिक हाईवे, मतलब मुंबई आगरा हाईवे कहते हैं इसे, उसके बाद हमें लेफ़्ट लेना है अड़गाँव की तरफ, अड़गाँव के यहाँ से हमें जंगल वाला रास्ता लगेगा, मतलब स्नीक रोड लगेगा। मॉर्निंग में निकलते समय मैंने आपसे एक चीज़ शेयर की थी कि ये मानसून वाला स्पॉट है, जितने भी डैम वाले स्पॉट होते हैं ना मानसून में धमाल आते हैं, लेकिन समर में उसकी ब्यूटी अलग होती है, जो पत्ते झड़ते हैं देखने मिलेगा।
ये जो मेरे राइट हैंड साइड से ऊपर से रोड जा रहा है ये है मुंबई आगरा हाईवे और ये नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे अड़गाव। कितना छोटा है मेरे राइट हैंड साइड पे घर देखा आपने, वो कितना सही घर था। मुंबई में हम लोग ना 500 स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट में खुश हो जाते हैं, यहाँ पे कितने मस्त आलीशान बड़े बड़े घर रहते हैं। ये देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मॉनसून में यहाँ पे कितनी ब्यूटी होगी, ये जंगल पूरा ग्रीन ग्रीन रहेगा। लेकिन अभी भी देखो अभी भी कितना सही लग रहा है, दोनों साइड से मस्त पेड़ जा रहे हैं, सूखे हुए पेड़ है लेकिन उनकी भी ब्यूटी अपनी जगह पे। शायद से आगे कोई तो चेक ना कहे रुकाएंगे नहीं, पता नहीं। नहीं नहीं छोड़ दिया छोड़ दिया। जहाँ से आपने अभी राइट लिया ना वहाँ पे लिखा था तानसा डैम, तो यहाँ पे एंट्री तो नहीं लग रही है। राइट हैंड साइड पे देखिए, तो ये मोदक सागर है ना उधर जाने का, मैं बोला यहाँ पर एक राउंड मार के आते हैं, अगर ओपन रहेगा तो देखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो। ये सामने का नज़ारा देख के लग ही नहीं रहा हमें अंदर छोड़ेंगे, सवाल ही नहीं आता अंदर जाने का। वाटर का प्लांट है इधर अंदर। अच्छा यहाँ पे पानी इधर से आता है ना। हाँ बॉम्बे थाना इतना बड़ा वाटर प्लांट है अंदर, सिक्योरिटी तो चाहिए इसलिए ना लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा फेंसिंग लगा है। और हमें लगा ही था कि हम लोग ये अंदर नहीं छोड़ेंगे, हमें हम जस्ट आगे देखने के लिए गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं मोड़क सागर, तो ये जो पीछे की साइड था वो था तानसा, अभी जा रहे हैं मोड़क सागर। चलेगा। मैं ठाणे रहने आया तब से हम लोग प्लान कर रहे हैं ना राइड का, ये पहला राइड है। अच्छे वाले फोटोज निकाल। एक चीज मस्त लग रही है यहाँ पे, वेदर एकदम प्लेजेंट है। पीछे चिड़ियों की आवाज सुनो, बर्ड की जब आवाज आती है ना तो आपको समझ में आता है कि एरिया में कितनी शांति है। सामने ये वाला नज़ारा जो मैंने आपको अभी ड्रोन में दिखाया, मैं ड्रोन ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ से आगे कुछ 17 किलोमीटर डैम है, तो 17 किलोमीटर के बाद वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया शुरू हो जाता है। अभी हम जहाँ पे रुके हैं ना हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं गए, अभी पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी एंट्री है, कहाँ पे रोकते हैं, क्या यहाँ के रूल है, तो मैंने ड्रोन भी ज़्यादा फ्लाई नहीं किया, अपने ही एरिया में उड़ाया, 2-3 शॉट्स कलेक्ट किए। लेकिन यहाँ पे बारिश में मस्त माहौल रहेगा, अभी भी अच्छा है। अभी आप आते हो ना तो यहाँ पे आपको 8 बजे से पहले निकलना है, अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी फील होना स्टार्ट हुआ। जब आए ना यहाँ पे तो 23 डिग्री था, लेकिन अभी बढ़ते रहेगा। ये देखो हमें क्या चीज़ मिली, हम लोग यहाँ से आए ना तो हमें पहले 2 मिनट डर लगा। आप नीचे कमेंट करने से पहले ही मैं आपको बताता हूँ, हम निकलते समय 2 बंदे थे, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ, और एक बंदा है जो अभी आधा घंटा पीछे चल रहा है, वो धीरे धीरे आगे आएगा। ये भाई है ना ट्रेनर है, तो इसका पर्सनल ट्रेनर है, तो ये देखो यार नागेश पर्सनल ट्रेनर बाहर लेके घूमता है, मतलब कितनी बड़ी हस्ती है। देखो गाइस यही पानी हम लोग मुंबई में पीते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो लेक है ये मोड़क सागर है, तो ये मोड़क सागर लेक नहीं है, जो पीछे एक डैम है ना उसका नाम मोड़क सागर है, ये तानसा लेक ही है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना तानसा लेक का बैक साइड है। ओ वो देखो ये देखो हमें यहाँ पे क्या देखने मिला। अच्छा ये पाइप का है। अच्छा तीतू ना ले गए तीते के गाँव है मग तिथे आज जायला हेच वापरावं लागतं। अरे बापरे केवढं छोटं आहे ते। वो छोटा चप्पू जैसा कुछ था, तो अंदर वाले एरिया में है ना वहाँ पे कुछ घर है, ये वाले साइड में वहाँ पे कुछ घर है, तो वहाँ से बाहर आने के लिए और रिटर्न अंदर जाने के लिए वो लोग उसका यूज़ करते हैं। इतना छोटा सा दया था, हम बैठे ना ऐसे ऐसे हुआ तो नीचे। यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है ना वो कितना सही लग रहा है, इसका तो फोटो निकालना चाहिए। यहाँ से तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा बारिश वाला वेदर हुआ है, बारिश तो नहीं आएगी।
स्पॉट पे हम लोग रुके थे वहाँ से ये 10-12 किलोमीटर पहले रहेगा, अभी सूखा है, लेकिन इसकी ब्यूटी है ना अलग लेवल की है। हम लोग यहाँ पे एक छोटा ट्रेल है, ट्रेल कर रहे थे, कुछ रील वगैरह बना रहे थे, अभी भी वेदर मस्त है यहाँ का, थोड़ा बारिश वाली फीलिंग आ रही है मुझे। लेकिन ये गाड़ी रोड पे जितनी अच्छी लगती है ना, ऐसी जगह पे और अच्छी लगती है। एक बार सेफ पार्किंग मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का पहले प्लान था कि वो गांव वाले एरिया में, अगर कहीं पे गांव में हम लोग को देसी वाला कुछ ब्रेकफास्ट मिलता ना, हम लोग वहाँ पे रुकते। तो अभी हम लोग है दत्ता स्नैक में। दत्ता स्नैक में हम लोग ने लिया है यहाँ का फेमस बटाटा वड़ा, कोथिंबीर वड़ी और मिसल। चाय है, लेकिन चाय ये सब ख़त्म होने के बाद। जितना मेरे को पता है ना, यहाँ का सबसे स्पेशल है बटाटा वड़ा, राइट? चलो। दोपहर में जैसे मैं घर पे आया ना, घर पे आने के बाद फुटेज देखने की आदत है, तो राइड में मैंने चेक किया था, लेकिन वो टाइम पे मुझे इतना ध्यान में नहीं आया। घर पे आने के बाद पता चला आवाज़ की थोड़ी बैंड बजी है, तो मैंने वो मैनेज कर लिया है। तो ये व्लॉग में ना आपको थोड़ा ऐसा नज़र आया होगा कि बहुत जगह पर आवाज़ बहुत ऊपर नीचे हुई है, अपना वॉल्यूम लेवल बहुत अप डाउन हुआ है, तो थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। अभी वो गड़बड़ी क्या हुई थी, कैसे हुई थी, उसको कैसे सॉल्व किया, वो सब बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, उसे इग्नोर मारो। आज के राइड में मज़ा बहुत आया, बहुत टाइम के बाद राइड की, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अगला राइड का प्लान कब होगा वो मुझे पता नहीं है, अभी काम करने हैं सब, जितने भी काम घर वालों ने बताया ना, लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है, वो सारे काम ख़त्म करने हैं। तो आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।